Figure shown in network of 8 resistors, each equal to 2 ohm, connected to a 3 volt battery of negligible internal resistance. The current I in the circuit is. आपको उसमें I की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और आपको वोल्टेज दी हुई है 3V, और उसने बोल दिया है कि नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि उसकी आपको ज़रूरत नहीं है. अब मेन चीज़ जो है इसमें आपको R इक्विवेलेंट निकालना है. अब वो आप कैसे निकालोगे, जैसे कि आपको उसमें 8 दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के 7, और ये 8. मेन चीज़ उसमें है वो ये है कि ये जो दो सर्किट है बी और ई और सी और एफ, इन दोनों में ही करंट फ्लो नहीं होगा. क्योंकि जैसे कि आपने व्हीटस्टोन ब्रिज वाले क्वेश्चन में देखा होगा, जैसे वो ऐसे बनते हैं, जब जो इस वाले सीरीज में करंट फ्लो नहीं होता है, उसी तरह से इन दोनों सीरीज में कोई करंट फ्लो नहीं होगा. यानी कि अब इन दोनों का तो मैटर ही नहीं है, अभी दोनों हट चुके हैं, सपोज ये है ही नहीं यहाँ पे. अब बचते हैं हमारे पास एक सर्किट ये, और दूसरा बचता है हमारे पास ये वाला. तो अब ये तीन हो गए सीरीज में, ये तीन हो गए सीरीज में, ये दोनों अलग अलग सीरीज में होके बाद में एक दूसरे के साथ पैरेलल ही हो जाएंगे. तो अगर हम ए और डी के पास जो यहाँ पे है रजिस्टर, अगर हम इनको देखें तो पहले सीरीज में है, सीरीज में जो रजिस्टेंस है, मान लो ये फर्स्ट वाला है, हमने इसको कंसिडर किया आर वन, इसको कंसिडर कर रहे हैं हम आर टू, तो सीरीज में जो है वो डायरेक्टली प्लस होता है, ठीक. तो हम इन तीनों को प्लस कर देंगे, जो निकला 6 ओम. सेम हम इसी को करेंगे, आर टू का भी इक्विवेलेंट हमारा ऐसे निकलेगा. अब लेकिन अब ये क्या चीज़ बन चुकी है, ये बन चुकी है कुछ इस तरह से, 6 ओम ऊपर है, मान लो आप इसको ऐसे ड्रॉ करते हो, और 6 ओम नीचे है, ये ऊपर आपकी बैटरी के साथ दिया हुआ है. ये दोनों हो गए हैं आपका पैरेलली, यानी कि अब आपको पैरेलली निकालना है इक्विवेलेंट. तो पैरेलली के लिए आपको पता है कि ऐसे ही निकलता है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला इक्विवेलेंट है, ये सेकंड वाला इक्विवेलेंट है. यहाँ पर है 6, इधर भी 6, टू बाय 6 हो गया 1/3. आर इक्विवेलेंट निकालना है तो ये निकला 3 ओम. लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था करंट. हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे V इक्वल आई इंटू आर में, V की वैल्यू हमारे पास 3 है, I की वैल्यू हमें निकालनी है, और इधर 3 है, I की वैल्यू निकली मेरे पास 1 एम्पियर.